माध्यम से बिहार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें बसों के माध्यम से उनके जिले और गृह प्रखंडों के क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। लिए 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए शेड्यूल थी, जिनमें से अधिकांश आ भी चुकी हैं। इनमें लुधियाना, वडोदरा, अंबाला, सूरत, जालंधर, नई दिल्ली और रोहतक जैसे बड़े शहरों से प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं। प्रत्येक ट्रेन में औसतन 1200 यात्री हैं, जिनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखा गया है। घर के पास आकर के बहुत बढ़िया हाल लग रहा है कि आगे हम परिवार के साथ ये सरकार को देंगे धन्यवाद। ये सुविधा सर दिया हम लोग को, ये गाँव आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, जो हम लोग सही सलामत घर पहुंच जा रहे हैं अभी। कि बहुत सारे लोग इसमें से रेड जोन से आए हुए हैं, तो कुछ लोगों का रैंडमली हम VTM सैम्पलिंग भी करेंगे, ताकि जो है हम निश्चिंत हो सके कि कोई कोरोना संदिग्ध इसमें पॉजिटिव तो नहीं है। इसमें 20 जिले हैं, लेकिन जिले की संख्या बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, क्योंकि जो है रेल की जो सूची है उसमें जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ चेंजेस किए गए। कोटा से लगभग सारे बिहारी छात्र वापस आ चुके हैं और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन बिहारी श्रमिकों के आने का अभी सिलसिला जारी है और इनके पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।